कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ ही अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था को संभालने की गति देने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 20 अप्रैल से शुरू हो रहे मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी जिला कलेक्टर से चर्चा की और तैयारियों का फीडबैक लिया। इसी के साथ उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के दिशा निर्देश भी इस वीसी में दिए और साथ ही में कानून व्यवस्था को लेकर भी फीडबैक लिया। वीसी के बाद सीएम गहलोत मंत्रियों से भी मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर चर्चा आप करने वाले हैं और इसी के साथ प्रदेश में हॉटस्पॉट चयनित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जहां पर संक्रमण के मामले अभी तक सामने नहीं आ रहे वहां पर मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित कोर ग्रुप और वॉर रूम के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना के मामले यहां पर बढ़ते जा रहे हैं 20 अप्रैल को ये तिथि डिसाइड की गई है जहां पर मॉडिफाइड जो लॉकडाउन का रूप है वो यहां पर प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। उन जगहों पर जहां पर अभी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या निकलकर सामने नहीं आई है 21 अप्रैल से ये लॉकडाउन यहां पर मॉडिफाइड रूप ले लेगा और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अब आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के लिए लगातार यहां पर गति देने में जुट चुके हैं। इसी के चलते इसी की समीक्षा बैठक में उन्होंने यहां पर तमाम कलेक्टर्स के साथ में पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। सामान्य स्थितियों को लेकर के यहां पर जायजा लिया गया। तैयारियां जिस प्रकार से मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर है उनको लेकर यहां पर उस बैठक में समीक्षा यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और कलेक्टर से चर्चा करके तमाम हालातों की जानकारी जुटाई। 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन यहां पर शुरू होने वाला है उन क्षेत्रों में जहां पर कर्फ्यू ग्रस्त जो थाना क्षेत्र है जहां पर से आए दिन यहां पर कोरोना के संक्रमित मरीज निकलकर आ रहे हैं उन क्षेत्रों को छोड़ करके उन क्षेत्रों में मॉडिफाइड लॉकडाउन अब लगाया जाएगा जहां से संक्रमित मरीजों की संख्या या तो नहीं है या तो ना के बराबर है। 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन यहां पर शुरू होने वाला है उसी की गति को लेकर के यहां पर आज सूबे के मुखिया ने वीसी के जरिए चर्चा की। तमाम व्यवस्थाओं तैयारियों को लेकर यहां पर जानकारी जुटाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए और अधिक सुदृढ़ करने के लिए और इस प्रकार की महामारी के बाद में जितने भी यहां पर नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको घटाने की तैयारियां अब प्रशासन ने अपनी कमर कसते हुए सुदृढ़ कर दी है। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के वीसी की गई। जिला कलेक्टर्स इस वीसी में मुख्यमंत्री से रूबरू हुए वहां पर उन तमाम स्थितियों का यहां पर मुख्यमंत्री को संज्ञान किया जिनके बारे में यहां पर कहा जा रहा है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है और जो जिले हैं चिन्हित क्षेत्रों में सारे मॉडिफाइड लॉकडाउन इन्फोर्स किए जाएंगे। 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगा मॉडिफाइड लॉकडाउन प्रदेश में उसी की तैयारियों को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स के साथ में चर्चा की और अब उसके बाद में अपने विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों और नेताओं के साथ में भी एक चर्चा होगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा इस मौके पर उनके साथ में मौजूद रहे चूंकि प्रदेश भर के चिकित्सकीय टीम की यहां पर निगरानी कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी लंबे समय से शुरुआती दिनों से यहां पर स्थिति को लेकर काफी गंभीर और दिन ब दिन यहां पर समीक्षा बैठकों का दौर जारी है प्रदेश में इस चीज को हराने के लिए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे न्यूज रूम जहां पर मेरे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पिंटू, यहां पर काफी ज्यादा गंभीर प्रशासन हो चला है क्योंकि यहां पर लोगों की जान बचाना तो प्राथमिकता है ही लेकिन उसी के साथ में जो अर्थव्यवस्था है उसे भी अब पटरी पर लेकर आना है और आने वाले समय में जो गंभीर स्थिति हो सकती है उसको लेकर के यहां पर मुख्यमंत्री ने वीसी की। क्या इस दौरान चर्चा में बातें निकलकर आई और किस प्रकार से मॉडिफाइड लॉकडाउन को इन्फोर्स किया जाएगा प्रदेश में?
देखिए जेती, जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का जो ग्राफ लगातार देश में बढ़ रहा है जी। वो तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से संक्रमण को रोकने के लिए लगातार सरकार कड़े कदम उठा रही है, लेकिन एक दोहरी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हो गई है, वो है जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। राजस्व का जो बड़ा घाटा सरकार को हो रहा है और आने वाले समय में जिस प्रकार से उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत हो सकती है। उसको लेकर भी सीएम अशोक गहलोत लगातार गंभीर नजर आ रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उसको तो रोका जाए, लेकिन साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति है उसको भी पटरी पर लाया जाए। हालांकि लॉकडाउन का ये दूसरा दौर है, लॉकडाउन जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं 20 अप्रैल से एक ढील दी जाएगी। जो इलाके जहां पर संक्रमण के मामले कम है, जहां पर हॉटस्पॉट नहीं है, उन इलाकों में जो औद्योगिक इकाइयां हैं वहां पर काम शुरू किया जाएगा, ताकि आर्थिक स्थिति की पटरी पे आ सके और जो श्रमिक है वहां पर रह रहे हैं उनको भी रोजगार मिल सके। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीएमआरसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो तमाम जिलों के कलेक्टर हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं कि जो 20 तारीख से जो मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू होगा और उसके तहत जो हॉटस्पॉट वाले इलाके नहीं है वहां पर जो औद्योगिक इकाइयां शुरू होगी उनकी किस प्रकार से तैयारियां हैं, प्रशासन कितना मुस्तैद है कि लॉकडाउन के चलते जो कहीं ना कहीं जो ढील दी जा रही है औद्योगिक इकाइयों की काम धंधे शुरू करने की, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और पटरी पर लाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई लापरवाही हो और फिर से कहीं ना कहीं संक्रमण के मामले बढ़ जाए। तैयारियों को पूरा जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर इस मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर तैयार है और औद्योगिक इकाइयों को किन तैयारियों के साथ इजाजत दी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की जो लगातार घाटा हो रहा है, राजस्व का घाटा हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं है, वो भी एक बड़ी चुनौती है। उसको लेकर ये ढील दी जा रही है 20 अप्रैल से। उसी की तैयारियों को लेकर सीएम अशोक गहलोत जो प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाए और कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। ये जरूर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए रियायत दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई लापरवाही हो जाए और फिर से प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ जाएं। इन तमाम तैयारियों के साथ आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना भी जरूरी है और कोरोना को रोकना भी जरूरी है। तो दोनों के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आर्थिक स्थिति मजबूत करने को लेकर भी गंभीर है। फिलहाल तमाम जो जिला कलेक्टर्स हैं उनके साथ संवाद हो चुका है, अब जो प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं कि हम सब लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी से निभाएं और प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति जो इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना महामारी के चलते जो कमजोर हुई है उसको मजबूत कैसे किया जाए, और उन सब चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। जी जयती, जाना चाहूंगी, चूंकि राजधानी जयपुर अभी कोरोना का जो हॉटस्पॉट है वो बन चुका है, 492 केसेस अकेले राजधानी जयपुर से अब सामने आ गए हैं, तो राजधानी जयपुर के 13 थाना क्षेत्रों को तो पूरी तरीके से पहले ही यहाँ पर कर्फ्यू में लगा दिया गया था, लेकिन अब ऐसे कौन से क्षेत्र है जिन्हें चिन्हित किया जाएगा, और उसके अतिरिक्त जो आगामी 20 अप्रैल है जहां पर मॉडिफाइड लॉकडाउन जो यहां पर लागू होने वाला है, कौन से ऐसे क्षेत्र अभी बताए जा रहे हैं जानकारी में? देखिए जैती, साफ तौर पर जितने भी जो अलग जो गाइडलाइन तय की गई है उस गाइडलाइन के आधार पर ही औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू करने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है और प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है उसके अनुरूप ही छूट दी जाएगी कामकाज के उद्योगों को, क्योंकि लापरवाही किसी प्रकार से नहीं बख्शी जाएगी। लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है प्रदेश की जनता के ऊपर, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ही घातक वायरस है, जिस प्रकार से इसका घराव प्रदेश में बढ़ा है उसको नियंत्रण करना काफी बड़ी चुनौती है इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की बात आती है तो उसको लेकर भी सीएम अशोक गहलोत गंभीर है कि कोरोना की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं, उसको नियंत्रण करने की प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी से लड़ रहा है, उसको नियंत्रण भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति है उसको भी पटरी पे लाना जरूरी है, लेकिन गाइडलाइन के तहत ही, कोई लापरवाही नहीं हो और किसी प्रकार का खामियाजा नहीं हो, जो रियायत दी जा रही है वो कहीं भारी नहीं पड़ जाए, जो गाइडलाइन के तहत जो इलाके चिन्हित किए गए हैं और जो हॉटस्पॉट तय किए गए हैं जहां पर संक्रमण के मामले सामने ज्यादा आए वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कामकाज शुरू नहीं होगा, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी है, औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रदेश में कोई मामले सामने नहीं आए तो वहां पर कामकाज शुरू किया जाएगा, ताकि जो स्थिति है आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था वो भी पटरी पे आ सके, लोगों को रोजगार भी मिले। जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब आपको फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से